एक चमकीली रात में जब डिज्नीलैंड के लोग सो रहे थे डिज्नीलैंड का एक घर जहां मुक्की माउस मनी की सालगिरह मनाने में मसरूफ था पार्टी के लिए घर को अच्छी तरह से सजाया गया था मुक्की ने किचन का काम खत्म किया और कमरे में चला गया टोनी एक चूर को सालगिरह की पार्टी के बारे में मालूम है और वो पहले ही खुद को भूखा महसूस कर रहा है टोनी ने सालगिरह का केक चोरी करने का मंसूबा बनाया और खिड़की से मुक्की माउस हाउस में दाखिल हुआ दूसरी तरफ़ मुक्की माउस दोस्तों के साथ सालगिरह की तकरीब से लुत्फ़ंदोज़ हो रहा है लेकिन वो नहीं जानता था कि सालगिरह का केक ग़ायब हो जाएगा जब केक काटने का वक्त आया और मुक्की किचन में सालगिरह का केक लेने गया तो वो हैरान रह गया क्योंकि केक चोरी हो गया था मुक्की ने अपने दोस्त टम्मी को केक चोरी के बारे में बताया तम्बी ने चूर को पकड़ने और सालगिरह का केक वापस लेने का फ़ैसला किया तम्मी और मुक्की केक चूर को तलाश कर रहे थे अचानक मुक्की एक लड़के के पीछे भागा जो मजेदार केक से लुत्फ अंदोज हो रहा था टम्मी केक के साथ एक लड़के को देखा और लड़के को पकड़ने की कोशिश कर रहा था अब मुक्की माउस टम्मी के साथ लड़के का पीछा कर रहा है लड़के ने साइकिल ले ली और खुद को बचाने के लिए बहुत तेजी से चला मुक्की भी लड़के का पीछा कर रहा है टिमी भी बहुत तेजी से साइकिल चलाता है आखिर में मुक्की माउस ने लड़के को पकड़ लिया लड़के ने कहा कि इसे बहुत भूख लगी है लेकिन मजेदार केक की खुशबू सालगिरह का केक चोरी करने की वजह है मुक्की माउस ने लड़के को मुआफ कर दिया और सबने मिलकर सालगिरह का लुत्फ उठाया